टीना गांव में पत्ते का कपड़े पहन कर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ बकरियां टीना के पीछे पड़ जाती है। गांव के सभी लोग ये देखकर काफी हंस रहे थे, लेकिन टीना की मदद कोई नहीं करता। अंत तक टीना मदद के लिए चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सोहन और टीना एक दूसरे से प्यार करते थे। सोहन टीना से शादी करके टीना को अपने घर गांव लेके आ जाता है। माँ 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 सलोनी सोहन बेटे की आवाज सुन जल्दी से दौड़े बाहर आती है। बाहर आकर देखती है कि सोहन ने शादी करके उसके लिए बहू लेके आया है। अरे सोहन बेटा, तू आ गया, साथ में ये बहू है क्या? हाँ हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू टीना है। आज ही हमने शादी करके इसे यहाँ लेके आ गया। अब से हम दोनों यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। ये सुनकर माँ सलोनी को काफी खुशी होती है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अब से हमारे साथ रहोगे। अरे रे बहू, एक मिनट यहीं रुकना, अभी मैं आरती की थाली लेके आती हूँ, तुम्हें आरती करके घर में गृह प्रवेश करूँगी। फिर सलोनी जल्दी से जाती है आरती की थाली लाने। और इधर सोहन और टीना यहाँ इंतजार करते हैं। कुछ ही समय में सलोनी आरती की थाली लिए पहुँच जाती है अपनी बहू की आरती करने के लिए। फिर सास सलोनी अपनी बहू टीना की आरती उतारती है और उतारने के बाद कहती है, अरे सोहन बेटा, अब जा बहू को घर के अंदर लेके जा। आओ टीना, घर के अंदर चलो। फिर सोहन और टीना दोनों घर के अंदर जाते हैं। सोहन और टीना दोनों कमरे में आ जाते हैं। अरे टीना, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं भी जाकर चेंज कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और टीना अपने बक्से में से कपड़े देखने लगती है। फिर कुछ ही समय में टीना एक ड्रेस पहन लेती है। अरे इस ड्रेस में तो मैं काफी अच्छी दिख रही हूँ, चलो यही पहनी रहती हूँ। मैं जाके देखती हूँ सासू माँ क्या कर रही है। फिर टीना भी दूसरे कमरे की ओर जाने लगती है। सास सलोनी बैठ कर चाय बना रही थी, तभी वहाँ टीना पहुँचती है। माँ जी क्या बना रही हैं आप? अरे बहू आओ आओ, मैं चाय बना रही थी, चाय पियोगी? मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन आप कह रहे तो पी लूंगी। अरे वाह वाह बहू, इन कपड़ों में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं सोहन के पापा को चाय दे के आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ बैठ के खूब बातें करूँगी। अरे माँ जी लाइए ना, मैं चाय दे के आती हूँ पापा को। अच्छा तू देगी, कोई बात नहीं, जा जा, वो बहुत खुश होंगे। फिर टीना अपने सास से चाय ले लेती है और जाती है अपने ससुर को चाय देने के लिए। अरे मेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है और कितनी अच्छी भी है। अगर मैं सोहन के लिए ऐसी लड़की ढूंढती तो शायद मैं कभी नहीं ढूंढ पाती इतनी खूबसूरत लड़की। सोहन के पापा सोफे में बैठे हुए थे, तभी टीना चाय लेकर पहुँचती है। पापा ये लीजिए आपका चाय। अरे बाबा बहू, आज पहली बार अपने बहू के हाथों से चाय पी रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहू तू तो इन कपड़ों में एकदम परी लग रही है, खूब सुंदर दिख रही है। हमारे गांव क्या, आसपास के गांव में भी ऐसी बहू किसी के घर में नहीं है जो हमारे घर में है। अपने ससुर के मुंह से भी अपनी तारीफ सुनकर टीना काफी खुश हो जाती है और वहाँ से खुशी खुशी आ जाती है। टीना अपने आप में काफी खुश होती है क्योंकि उसकी सभी कोई तारीफ कर रहे थे। अरे मैं इतनी खूबसूरत हूँ और इन ड्रेसों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, गर्मी तो सब कोई ने तारीफ किया। कल कुछ नया ड्रेस पहनती हूँ और फिर घर से बाहर निकलती हूँ, फिर देखती हूँ मेरी कौन कौन तारीफ करते हैं और कौन क्या कहते हैं, तब ना पता चलेगा वाकई में मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। दूसरी रोज टीना एक नए कपड़ा निकालती है और उसे पहन लेती है, खूब अच्छे से तैयार होती है और घर से बाहर निकलने जाती है, तभी उसकी मुलाकात सोहन से हो जाती है। सोहन ये देखकर चौंक जाता है। अरे टीना, ऐसे सज धज के कहाँ जा रही हो? अरे वो मैं थोड़ा सा बाहर जा रही थी, थोड़ा सा इधर उधर घूम के, तो देखो तुम्हारा गांव कैसा है और ये तुमने क्या पहन लिए हो। अरे ये तो हमारे गांव का ड्रेस है, लेकिन ये तुमने क्या पहन लिए हो? ये पहन के गांव घूमोगी तो तुम्हें सभी लोग क्या कहेंगे?
अरे कुछ नहीं कहेंगे, घर में तो सब तारीफ कर रहे थे, बाहर भी देखूं कि सब कोई तारीफ कर रहे, वाकई में मैं खूबसूरत दिख रही हूँ या फिर कुछ और। ओ ऐसी बात है, तो जाओ घूम के आओ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं पापा के साथ खेत जा रहा हूँ, तुम ही अकेले घूम लो, फिर मैं कभी और घुमा दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है। फिर सोहन खेत की ओर चला जाता है और टीना निकल पड़ती है घूमने के लिए। टीना गांव में इधर उधर घूमते घूमते आगे बढ़ती है, तभी एक घर के बाहर से गुजर रही थी, वहाँ एक बुढ़िया टीना को देखती है। अरे अरे लड़की, इधर आओ इधर आओ, बड़ी सुंदर दिख रही हो, कौन हो तुम? अरे चाची, मैं सोहन की बीबी हूँ। ओह हमारा सोहन, उसकी बीबी, बड़ी सुंदर हो, देखने में एकदम परी जैसी लग रही हो, किसी को नजर ना लगे तुम्हारी। अरे धन्यवाद चाची, किसी को नजर नहीं लगेगी, आती हूँ, अभी पूरा गांव देखना है। चलो ठीक है ठीक है। टीना अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे उसे एक आदमी नजर आता है, वो आदमी टीना को घूर घूर कर देख रहा था। अरे इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में कहां से आ गई? हमारी तो शादी हो गई, पहले क्यों नहीं मिली हमें? अरे ये भी तो मेरे लट्टू हो गए, लगता है इस गांव में मैं सबसे सुंदर हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे घूमने में और सबकी तारीफ सुनने में। तभी उस आदमी के सामने उसकी बीबी आ जाती है। वो आदमी टीना को घूर घूर के देख रहा था, तभी उसकी बीबी उससे कहती है, हाँ जी क्या देख रहे हो उसे घूर घूर के, कभी लड़की नहीं देखे हो क्या? आज तक तो मुझे घूर के नहीं देखे, उसे ऐसे घूर के देख रहे हो। अरे देखने वाली चीज है तभी तो देख रहा हूँ, तुझे देख के क्या मिलेगा, हर रोज तो तुझे देखता रहता है गोबर जैसा चेहरा। हाँ हाँ मेरा गोबर जैसा चेहरा है ना, रुक अभी दिखाता हूँ, चल घर के अंदर। फिर वो औरत उस आदमी को घींच के घर के अंदर लेके जाता है और ये सब देखकर टीना को काफी मजा आता है। अरे मजा आ गया, ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं काफी खूबसूरत हूँ। आज टीना दूसरों के मुंह से और ज्यादा तारीफ सुनने के लिए अपने आप में कुछ परिवर्तन करती है और आज कपड़ों की जगह पत्तों का कपड़ा पहनकर आ जाती है गांव में। गांव में निकल पड़ती है रास्ते में घूमने के लिए, सभी कोई उसे घूम घूम के देख तो रहे थे। टीना मनी मन काफी खुश भी हो रही थी। अरे लगता है आज दूसरे दिन की तुलना में आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो, इसीलिए तो सभी कोई मुझे घूम घूम के देख रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सोचते सोचते टीना आगे बढ़ती है, वही एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों को चराते हुए उधर से आ रहा था। जैसे ही टीना उन बकरियों को क्रॉस करती है, वो बकरियों की नजर टीना के कपड़ों पर जाती है, क्योंकि टीना ने आज कपड़ों की जगह पत्ते पहने हुए थे। अब टीना आगे आगे जाती है, वो बकरियां टीना का पीछा करती है उन पत्तियों को खाने के लिए। टीना घूम के देखती है, उसके पीछे कुछ बकरियां पड़ गए थे उन पत्तों को खाने के लिए। टीना थोड़ी सी डर जाती है, उसे भगाने की कोशिश करती है। लेकिन बकरियां भागने का नाम नहीं लेती है और टीना का पीछा करने लगती है। टीना डर जाती है और भागने लगती है, बकरियां भी टीना के पीछे पीछे भागती है पत्ते खाने के लिए। टीना आगे आगे तो बकरियां टीना के पीछे पीछे, टीना आगे आगे दौड़ती है, बकरियां भी उसके पीछे पीछे दौड़कर एक जगह कर टीना को बकरियां पकड़ लेती है। बकरियां पत्ते पकड़ कर घींचने लगती है, टीना काफी डर जाती है। तभी वो आवाज लगाती है, बचाओ बचाओ कोई मुझे इन बकरियों से बचाओ बचाओ, चल हट 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 हट। टीना काफी मुसीबत में पड़ जाती है, बकरियां टीना के ऊपर चढ़कर उसके पत्ते खाने लगती है। तभी उधर से एक आदमी गुजर रहा था, तभी वहीं पर घर के बाहर से एक बुढ़िया को ये सब दृश्य दिखता है। वो जल्दी से उस आदमी को आवाज लगाती है, अरे ओ बेटा बेटा जरा इसे बचाना, देखो ये बकरियां इसे परेशान कर रही है। वो आदमी घूम के देखता है कि टीना को बकरियां परेशान कर रही थी। वो आदमी दौड़कर आता है और उन बकरियों को भगाता है।
वो बकरियां तो वहां से भाग जाती है। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन बकरियों से बचाया। अरे बहन जी, आप ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों घूम रही हैं? ऐसे कपड़े पहनकर अगर घूमेंगे तो बकरियां तो पीछे पड़ेगी ही ना। आप ही को समझना चाहिए ना। अगर आप ही नहीं समझेंगे तो बकरियां कहां से समझेगी। आइंदा से अपना ख्याल रखिएगा। टीना को अपनी गलती का एहसास होता है, तभी वहां पर कहीं से सोहन आ जाता है, टीना का पति। अरे टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे भाई साहब, ये आपकी कोई लगती है क्या? अरे हाँ हाँ, मेरी बीबी लगती है, क्या हुआ बताइए। अब आप अपनी बीबी को ही समझाइए, ये पत्ते वाली कपड़े पहन के घूम रही थी, बकरियाँ इसके पीछे पड़ गई थी, जैसे तैसे करके मैं बकरियों को भगाया। अब ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी तो बकरियाँ तो पीछे पड़ेगी ही ना। अब उनको ही समझना चाहिए, आप ही समझाइए। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सोहन कहता है, अरे टीना ये क्या है, ये क्या कह रहे थे और ये तुम कपड़े पत्ते वाले ऐसे क्यों पहन के निकल गई? अरे सोहन, मुझे माफ कर दीजिए, चलिए घर चलिए, मैं सारी कहानी बताती हूँ। फिर टीना और सोहन वहाँ से चले जाते हैं। सोहन टीना को घर लेके आता है। टीना को अपने गलती का एहसास होता है और टीना को अपनी गलती पर काफी पश्चाताप भी होती है। सोहन मुझे माफ कर दो, मैं आईना से ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच रही थी कि नए नए कपड़े पहन के जाऊंगी, नए फैशन करके जाऊंगी तो सभी कोई मुझे अच्छे बोलेंगे और मुझे अच्छा लग रहा था सबकी बातें, सबकी मुंह से तारीफ सुनना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा चीज भी हो सकता है। मुझे माफ कर दो सोहन, आइंदे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। देखो टीना, ये गांव है, ये शहर नहीं है। अगर यहाँ पे तुम ऐसे वस्त्र पहन के जाओगी सबको देखेंगे, मजा लेंगे, लेकिन तुम्हारी भले ही मुंह से तारीफ करें लेकिन घर के अंदर जाकर तुम्हारी बुराई ही करेंगे। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, अगर गांव में रहती हो, यहाँ अगर तुम सीधा कपड़ा पहनोगी तो ही अच्छा दिखोगी, और वैसे भी तुम तो सुंदर हो तो तुम्हें और ज्यादा सुंदर दिखाने की क्या आवश्यकता है। सोहन भी टीना को अच्छी तरह से समझा देता है, टीना समझ जाती है और अब से वो ऐसा कोई उटपटांग ड्रेस पहन कर घर से बाहर नहीं जाती है और घर में सभी के साथ अब वो खुशी खुशी रहती है। अरे बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, मत रोया कर बेटा, मुझे पता है तुझे भूख लगी है बड़ी जोर की, मैं क्या करूँ, एक काम कर तू दूध पी ले। ये है रानी जो कि काफी गरीब है, इसके पति एक शराबी है, जो भी कमाते हैं वो शराब में खर्च कर देते हैं और रानी को मारते पीटते भी हैं। रानी अपने पति से बचने के लिए और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना घर छोड़कर आ जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है और अपनी भूख और अपने बच्चे की भूख मिटाने की कोशिश करती है। रानी 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाई थी, जिस कारण उसका दूध भी नहीं होता है और बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही थी, जिस कारण बच्चा भी काफी रो रहा था। अरे बेटा अब मैं क्या करूँ, कहाँ से तेरे लिए खाना नहीं जुगाड़ कर पा रही हूँ, अपने लिए कहाँ खाना लाऊं कि मैं तेरा दूध बन जाए थोड़ा सा, मैं देखती हूँ। तभी रानी की नज़र वहाँ कचरे पर पड़े एप्पल पर पड़ती है, वो तुरंत वो कचरा वाला एप्पल उठाती है। मैं इसे खा लेती हूँ, शायद इससे कुछ दूध बन जाए तेरे लिए। फिर रानी उस छोटे सेब को उठाकर खाने लगती है। दूर खड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज था, वो ये सब सारी चीजें देखता है, उसे काफी दया आती है। अरे ये बेचारी यहाँ पर पड़ा कचरा में से सेब खा रही है, अगर मैं इसे घर लेके चला जाऊँ तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मेरा भी। फिर सूरज रानी के समीप जाता है और उससे कहता है, अरे बहन ये क्या खा रही हो तुम कचरों में से, चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें अच्छा खासा खाना दूंगा जिससे तुम्हारा दूध भी बनेगा और तुम अपने बच्चे को आराम से अपना दूध पिला सकती हो। लेकिन आप कौन है और अपने घर क्यों? अरे चिंता ना करो और डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगा, सच कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। फिर सूरज रानी को और उसके बच्चे को अपने साथ अपने घर की ओर लेकर जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है, ये है सुमन, सूरज की बीवी। सुमन और सूरज को
एक बेटा हुआ था जिसे सूरज काफी खुश था। एक रोज सुमन का बेटा काफी रो रहा था। सुमन उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था और जोर जोर से रो रहा था। तभी वहाँ पर सूरज पहुँचता है। अरे सुमन क्या हो गया, बेटा इतना रो क्यों रहा है और दूध नहीं पिला रही हो क्या उसे? अरे पिला तो रही हूँ लेकिन पीना नहीं चाह रहा है, तो क्या करूँ, अब भूख लगी और दूध नहीं पिएगा तो रोएगा ही ना। अरे इस बच्चे को बोतल का दूध क्यों पिला रही हो? तो क्या खुद का पिलाऊं? खुद का पिलाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ना बाबा ना, मैं फिगर के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहती एक बच्चे के लिए। वो बच्चा काफी रोता है, चुप नहीं करता है क्योंकि सुमन उसे बोतल का दूध पिला रही थी और बच्चा वो पीना नहीं चाहता था, भूख के कारण काफी रो रहा था। बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से सुमन और सूरज दोनों बच्चे को चाइल्ड हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साहिबा बच्चे को चेक करने के बाद कहती है, अरे आप लोगों का बच्चा तो काफी कमजोर है, इसे क्या अच्छे से दूध नहीं पिलाते हैं? हाँ डॉक्टर साहिबा, पिलाती तो हूँ लेकिन ये पीना ही नहीं चाहता है बोतल का दूध। अरे आप पागल हो गए, ये क्या इस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को बोतल का दूध पिलाते हैं? आप इसे अपना दूध पिलाइए तभी ये स्वस्थ रहेगा, इसे तो माँ का दूध बहुत जरूरी है। अरे डॉक्टर साहिबा मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन यही खैर छोड़िए मैं इसे समझा दूंगा। फिर सुमन और सूरज दोनों उस बच्चे को वहाँ से लेकर चले आते हैं। सुमन और सूरज दोनों घर आने के बाद काफी बहस होती है इस बात को लेके, अरे सुमन इसे अगर तुम माँ का दूध नहीं पिलाओगी तो ये बच्चा बीमार हो जाएगा, फिर हम इसे बचा नहीं पाएंगे, और क्या तुम चाहती हो अपने बच्चे की तबीयत खराब करना? अरे तो क्या हुआ, इस बच्चे की खातिर मैं अपना फिगर नहीं खराब करना चाहती है, मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। ये कहते हुए सुमन वहाँ से चली जाती है। और इधर सूरज, अरे अब मैं सुमन को कैसे समझाऊं, इस बच्चे को अभी माँ का दूध कितना जरूरी है, और ये सुमन भी समझने को तैयार नहीं है, अब मैं इसे कैसे माँ का दूध पिलाऊं, कहाँ से लेके आऊं? आओ रानी आओ, घर के अंदर आओ। सुमन सुमन कहाँ हो, इधर आओ। सूरज उस औरत को घर के अंदर लेके आता है और सुमन भी वहाँ पहुँच जाती है। सुमन ये देख तुरंत पूछती है, अरे आप ये किसे लेके आ गए, बच्चे के साथ कहीं आपने? अरे नहीं नहीं तुम गलत मत समझो, ये बेचारी गरीब है, अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती है, खाना तक नसीब नहीं होता है, मैं इसे अपने घर लेके आया इसीलिए कि ये घर का काम भी कर लेगी और इसके साथ साथ हमारे बच्चे को दूध भी पिला देगी, इससे तुम्हारा भी अच्छा है कि तुम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो ये पिला देगी, हमारा बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और उसे माँ का दूध भी मिलेगा। हाँ हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुमन वहाँ से चली जाती है। और इधर सूरज, अरे रानी आओ आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। फिर सूरज रानी को लेके जाता है उसके कमरे की ओर। सूरज रानी को उस कमरे में लेके आ जाता है जहाँ रानी रहने वाली थी। अरे रानी आज से ये कमरा तुम्हारा है, तुम इस कमरे में रहना और मैं अपने बच्चे को भी लेके आता हूँ, उसे भी देख लो जरा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे छत दी, खाने के लिए भोजन दिया और रहने के लिए जगह, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे एहसान की क्या बात है, तुम भी तो मेरी मदद कर रही हो, हम लोग दोनों एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं। फिर सूरज वहाँ से चला जाता है अपने बच्चे को लाने के लिए और इधर रानी जाकर बिस्तर पर बैठती है। तभी उधर से सूरज अपने बच्चे को लेकर आता है। अरे रानी ये देखो हमारा बच्चा, इसे भी थोड़ा सा दूध पिला देना, काफी भूखा है, बहुत दिनों से ठीक से खाया नहीं है। हाँ हाँ जरूर पिला दूंगी, आप इसे दे के जाइए। फिर सूरज अपने बच्चे को बेड पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर रानी, अरे मेरा बच्चा ला 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 ला, कितने दिनों से भूखे हो, अब से तुम लोग दोनों को पेट भर के दूध पिलाऊंगी और तुम लोग दोनों अच्छे से रहना। फिर रानी सूरज के बच्चे को गोदी लेती है और उसे दूध पिलाती है। एक रोज रानी सुमन के बच्चे को खिला रही थी। अरे ले ले मेरा बच्चा भूखा है, चलो बच्चा मैं तुम्हें अभी दूध पिलाती हूँ, अरे ले ले मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ हाँ मैं ही मम्मा हूँ मम्मा। रानी उस बच्चे को खिला रही थी और वो बच्चा रानी को मम्मा मम्मा कह रहा था। ये सारी चीजें दूर खड़ी सुमन छत पर से देखती है, उसे काफी गुस्सा आता है कि उसका बच्चा किसी और को मम्मा कैसे कह सकता है।
फिर रानी उसे खिलाते खिलाते लेकर चली जाती है कमरे की ओर। और इधर सुमन, अरे मेरा बच्चा किसी और को मम्मा कह रहा है, कैसे कह सकता है, आज ही मैं देखती हूँ, मुझे तो कभी नहीं कहा, और उसे देखो ना, दो दिन के दूध पिला दी, उसे मम्मा कह रहा है, नहीं मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी जैसे भी हो। सुमन का बच्चा किसी और को मम्मा कह रहा था। सुमन को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, उसे काफी गुस्सा आता है। रानी अपने कमरे में बैठकर सुमन के बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी सुमन वहाँ आती है काफी गुस्से से। रानी रानी, अरे हाँ मैम साहब, कहिए, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। बस मैम साहब, बस दूध पिला रही हूँ, पिला के देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उसे दूध पिलाने की, उसे मुझे दे दो, मैं उसे पाल सकती हूँ, और तुम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाओ। लेकिन क्यों मैम साहब, क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम बहुत बड़ी गलती की हो मेरे बच्चे को दूध पिला कर, तुम यहाँ से चली जाओ, बस मैं और कुछ नहीं जानती, मैं और तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ, बस तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन मैम साहब, लेकिन वकीन कुछ नहीं, मैंने कहा ना अभी निकल जाओ अपने बच्चे के साथ, तो निकल जाओ। सुमन रानी को उसके बच्चे के साथ घर से निकाल देती है। रानी को कुछ पता नहीं था कि सुमन उसे किस गलती की सजा दे रही है। रानी भी वहाँ से चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। और इधर सुमन अपने बच्चे को गोदी उठाती है। तेरी मम्मा मैं हूँ, आज से मुझे मम्मा कहना, किसी और को नहीं। दो दिनों के बाद सुमन का बच्चा फिर से बीमार हो जाता है और रोने लगता है। अरे बच्चा क्या हो गया तुझे, क्यों रो रहा है, चुप हो जा, दूध पी ले, चुप हो जा। लेकिन वो बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है और रोते रहता है। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज सुन सूरज भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे सुमन क्या हो गया, बच्चा इतना रो क्यों रहा है? अरे नहीं पता जी, देखिए ना कितना रो रहा है, कब से रो रहा है, कुछ दूध भी नहीं पी रहा है, क्या करूँ अब? अरे अब क्या करना है, चलो डॉक्टर के पास चलते, उनसे मिलते हैं। हाँ चलिए जल्दी चलिए, कितना रो रहा है मेरा मुन्ना। फिर सुमन और सूरज दोनों अपने मुन्ने को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर साहिबा मुन्ने को देख कर ही तुरंत कह उठती है, अरे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, इसे माँ की दूध की आवश्यकता है और कुछ नहीं, अगर आप लोग इसे माँ की दूध नहीं पिलाएंगे तो ये बच्चा का कुछ भी हो सकता है, अब दोबारा मेरे पास नहीं लेके आइएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, माँ का दूध ही सब कुछ है इसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा अब तो मेरा दूध भी नहीं आता है, वो भी सूख गया है, अब बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी तो दूध तो सूख ही जाएगा ना, अब जैसे भी हो करके इसे माँ का दूध चाहिए, कैसे भी हो करके जुगाड़ करो, तभी बच्चे को बचा सकती हो, वरना। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं कोशिश करता हूँ। अरे सूरज प्लीज, आप उस रानी को ढूंढ के लेके आइए ना, कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, रानी को मैंने घर से निकाल दी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, चलिए ना उसे ढूंढते हैं। सुमन और सूरज दोनों रानी को ढूंढने के लिए कई जगह जाते हैं, अंत तक वो रेलवे स्टेशन आते हैं, जहाँ पर आकर देखते हैं कि रानी अपने बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है। ये देखकर सुमन और सूरज दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से रानी के पास पहुँचते हैं। सुमन रानी के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, रानी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें मेरे बच्चे की असली माँ हो, चलो न प्लीज, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, अगर वो तुम उसे दूध नहीं पिलाई वो मर जाएगा, प्लीज उसे बचा लो रानी, प्लीज अपने बच्चे को बचा लो, मैं बहुत गलत थी कि मैंने अपना स्वार्थ देखा, वो तुम्हें मम्मा मम्मा कहता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, जिस कारण मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो ना मेरे घर चलो प्लीज रानी, अब ना मत कहना। हाँ रानी, इसे अपने गलती का एहसास हो गया, चलो रानी घर चलो, हमारे बच्चे को बचा लो रानी। रानी और उन दोनों के सामने कुछ नहीं कह पाती है उस बच्चे के खातिर। फिर रानी भी तय कर लेती है, उस बच्चे को अपना दूध पिलाएगी, उसे अपने माँ का दर्जा देगी। रानी भी उनके साथ उनके घर चली जाती है। रानी अब घर आ जाती है और दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। यही होती है ममता, माँ की ममता। बच्चे को भूखा देख माँ भी रो उठती है, भले ही खुद न खाए लेकिन अपने बच्चे को खाना जैसे भी हो करके देती है। भले माँ दो दिन तक भूखा रहे लेकिन अपने बच्चे को कभी भी भूखा सोने नहीं देती है।
इसीलिए तो माँ माँ होती है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है।